वेलकम बैक टू रेस आईएएस। आज का करंट टॉपिक है तटीय क्षेत्रों के विकास के निहितार्थ, दैट मींस इम्प्लिकेशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल एरियाज। आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तटीय क्षेत्रों में भारत विकास की दृष्टि से पीछे रहा है। भारत के तटीय क्षेत्रों का विकास देश के लिए नए आर्थिकी और चीन जैसे देश से चुनौती के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में पोत परिवहन के विकास हेतु 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एक पोतांतरण बंदरगाह का निर्माण करने की योजना प्रस्तावित है। विकास के इसी क्रम में चेन्नई से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक तेज इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने वाली देश की पहली समुद्री ऑप्टिकल फाइबर परियोजना का उद्घाटन हो चुका है। जानते हैं कि तटीय क्षेत्रों के विकास होने से क्या लाभ हैं। इससे इस द्वीप समूह को बेहतर और सस्ती ब्रॉडबैंड संपर्क सुविधा हासिल होगी। इससे समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी और युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा होंगे। इस क्षेत्र में आधुनिक ढंग में से निर्मित जहाजों से माल उतारने चढ़ाने की सुविधाएं बंदरगाह पर उपलब्ध होंगी, जिससे बड़े जहाजों की आवाजाही बढ़ेगी। बात करते हैं तटीय क्षेत्रों के विकास का रणनीतिक एवं सामरिक महत्व क्या है। मलक्का जलडमरू मध्य और दक्षिण चीन सागर में चीन के हस्तक्षेप को रोकना आसान हो जाएगा। खाड़ी से तेल ले जाने वाले और पश्चिम में वस्तुओं का निर्यात करने वाले चीनी जहाज मलक्का जलडमरू मध्य से ही गुजरते हैं। भारत का निकोबार द्वीप भी सैन्य सामग्री, मिसाइलों और युद्ध पोतों को रखने तथा बनाने के लिए डॉकयार्ड की सुविधा मिलने लगेगी। अब आगे बढ़ते हैं तटीय क्षेत्रों के विकास से होने वाले पर्यावरणीय दुष्प्रभाव की तरफ। इस परियोजना के विकास से यहाँ के प्राचीन वर्षा वनों को भारी क्षति होगी। कई दुर्लभ प्राणी और वनस्पतियों की प्रजातियां विलुप्त होने का खतरा भी बढ़ेगा। इन क्षेत्रों का मानसून भी प्रभावित रहेगा। यह विकास गलथिया खाड़ी और कैंपबेल खाड़ी राष्ट्रीय उद्यानों की 10 किलोमीटर परिधि में होना है, इसीलिए यहां की जैव विविधता में भी कमी आएगी। यहां ना उड़ सकने वाले पक्षी मेगापॉड कुल 51 घोंसले हैं, जिनमें से 30 पूरी तरह नष्ट कर दिए जाएंगे। चलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10,044 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इनमें शोपेन और निकोबारी वनवासी जनजातियां शामिल हैं, जिनकी संख्या लगभग 1,761 है। जानते हैं अब जैव विविधता के बारे में। निकोबार में एक विशेष प्रजाति के ना उड़ सकने वाली पक्षी मेगापॉड का भी घर है। यहाँ विशेष प्रजाति के लेदरबैक कछुए, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ, निकोबारी केकड़े खाने वाले मकाक और प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ मैनग्रोव वृक्ष और 10 हेक्टेयर में फैली मूंगा चट्टाने हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही। ऐसे ही करंट की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें और रेस आईएएस ऐप को डाउनलोड कर लें। बाकी नए बैचेस के इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।